हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ नहा धो के, पूजा पाठ करके किचन के अंदर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और अभी मैं चढ़ा रही हूँ चाय का पानी। ये चढ़ा दिया मैंने चाय का पानी, और आटा मैं लगा के गई थी, और मैं बनाऊंगी पराठे। आप सब ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाते हो? मैं तो अकॉर्डिंग बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, क्योंकि वही जो खाते हैं वही मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं बनाऊंगी अब पराठे और चाय और करेंगे ब्रेकफास्ट। शुरू हो गई मेरे दोपहर की लंच की तैयारी। ये मेरे कुकर की सीटी है, देखो कितनी तेज लग रही है। ये मैंने बना दिया है रोटियां, ये बन रहा है आलू मटर, और आलू मटर के लिए काट रही हूँ मैं धनिया, और अब बनाने जा रही हूँ दही का रायता। ये हो जाएगा मेरे दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर का खाना तैयार है, दोपहर का, और साथ में बनेगा हरा धनिया की चटनी। ये हो गई मेरी चटनी की तैयारी। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और आंवला डाला है मैंने, और थोड़ा सा नींबू का रस और अदरक, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैं कच्चा जीरा, बहुत हल्का सा, क्योंकि इसका ना अलग ही फ्लेवर आता है जब कच्चा जीरा डालते हैं ना, तो इसकी चटनी का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। और अब मैं ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी आंवले की चटनी बनकर तैयार है, और देखिए कितना सुंदर कलर आया है, यानी कि खाने में भी जबरदस्त और देखने में भी जबरदस्त। इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। और ये चटनी बहुत यमी बनती है पकौड़ियों के, रोटी के, पराठों के साथ, आराम से खाइए, मजे आते हैं इसको चटनी को खा करके। फिर मैंने कट किए गुआवा और ग्रेप्स, क्योंकि ना मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं। अब मैं उनके साथ बैठूंगी, खाना खाने से एक घंटे पहले मैं उन्हें फ्रूट्स खिलाऊंगी। सीजन के फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो पहले ये फ्रूट्स मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों को ये फ्रूट्स खिलाऊंगी, और एक घंटे के बाद खाना खिलाऊंगी। ये रेडी हो गई मेरी आलू मटर की सब्जी, और फ्रेंड्स बहुत गजब की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। जिस तरीके से मैंने बनाई ना, अगर उस ट्रिक को अपनाओगे ना, तो सब्जी जबरदस्त बनती है, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा पतली, और टेस्ट में लाजवाब। प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय।